आप देख रहे हैं भक्ति टॉप 20। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देखेंगे धर्म और आध्यात्म से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन प्रेरणादायक है, जो क्रूरता से दया, सबलता और दृढ़ता की ओर जाने वाला है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की और लवकुश के संरक्षक गुरु भी रहे। दुबई एक्सपो 2020 में भविष्य की संभावनाओं और आने वाले कल के डिजाइन की झलक मिल रही है। दुबई एक्सपो 2020 में रोबोट लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों के स्वागत पे रोबोट खड़े हैं और लोगों को मास्क पहनने और भीड़ जमा ना करने की हिदायत भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गजरीखेड़ा गांव में 7वीं शताब्दी का चामुंडा माता मंदिर स्थित है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मां चामुंडा का दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है। भारतीय रेलवे किफायती और सस्ती पर्यटक ट्रेन से श्रद्धालुओं को रामायण यात्रा के तहत अयोध्या, चित्रकूट, गया आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगा। इसके लिए एसी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ये यात्रा 17 दिनों में पूरी होगी। दुबई में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है। अगले साल दशहरे तक इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के साथ ही हटाए गए विग्रहों को उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर की मणिमाला के नए स्वरूप के दर्शन भी होंगे। एजेंसी की ओर से मणिमाला के लिए 27 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए तीसरे चरण का कार्य नवम्बर महीने से शुरू कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में मंदिर के प्लिंथ और बेस निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए मिर्जापुर और जसवंतपुर से पत्थरों को मंगवाया जा रहा है। बनारस की तरह ही महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के सामने 11 मकानों के अधिग्रहण की सरकारी कार्रवाई पूरी हो गई है। ब्रज की सबसे बड़ी श्री माता जी गौशाला में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। 13 एकड़ में लगने वाला ये प्लांट प्रतिदिन करीब 23 मीट्रिक टन गैस तैयार होगी इससे, और इसके लिए श्री माता जी गौशाला प्रबंधन और अदानी टोटल गैस लिमिटेड कंपनी के बीच करार हुआ है। मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है मैहर शारदा माता मंदिर। कहते हैं यहीं पर मां सती के हार गिरे थे। मान्यता है कि वहां पर आज भी मां शारदा के भक्त आल्हा और उदल अदृश्य होकर माता की पूजा करने के लिए आते हैं और पुजारी के पहले ही मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। मृदा परियोजना के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विकास किया जा रहा है। जल्द ही इस परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें रुद्र सागर का जीर्णोद्वार, रामघाट मार्ग सौंदर्यीकरण आदि विकास के कार्य होंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में लंबे अंतराल के बाद मार्च अप्रैल 2022 में पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप होगा। प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्री वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के इंदापुरम अहिंसा खंड 2 में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 75वां जन्म दिवस अमृत महोत्सव का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस महोत्सव में परम श्रद्धे मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज का रहेगा सानिध्य। पूज्य गुरुदेव श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा से कराएंगे अवगत। संगम नगरी में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी मेला 5 सेक्टर में बसाया जा सकता है। मेला क्षेत्र में मुख्य रूप से 16 सड़कें बनेंगी। देवों के देव महादेव के पतित पावनी गंगा के एक साथ दर्शन का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। करीब 50,000 वर्ग मीटर में बनने वाली काशी विश्वनाथ धाम में मंदिर चौक सबसे पहले बनकर तैयार होगा। सी शेप में निर्मित हो रहे चौक से धाम और गंगा का नजारा श्रद्धालुओं को नजर आएगा। इंदौर में मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर 50 पिलर्स पर सफेद मकराना मार्बल पर बनेगा। राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन मेला में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विश्व विख्यात पुष्कर मेला 5 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा। 28 नवंबर से अहमदाबाद गुजरात में आरंभ होगी दिव्य गौ कथा। 4 दिसंबर तक चलने वाली कथा में
पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से कराएंगे अवगत। रामनगरी को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक मेगा सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत अयोध्या धाम के विद्युत लाइन को 180 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत किया जाएगा। 21 अक्टूबर से दमोह मध्य प्रदेश में लीजिए श्रीमद् भगवत कथा का आनंद। 27 अक्टूबर तक चलने वाली कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार टीवी पर देख सकते हैं कथा का सीधा प्रसारण। तो देखा आपने भक्ति टॉप 20, जिसमें रहती है धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।